गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो दिस इज योर शब्द कृति बुक ऑफ हिंदी सो ओपन आउट द पेज नंबर फोर सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज द पेज नंबर फोर ओके स्टूडेंट्स तो सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अभ्यास कार्य ओके तो चलिए लेट्स स्टार्ट चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला बनाइए हम ये चित्र है ना इसको हमें पहचानना है कि क्या चित्र है कौन सा चित्र है और फिर उसके सही अक्षर पे हमें गोला लगाना है ओके तो ये बच्चों क्या है ये इमली है ना तो इमली किससे स्टार्ट होती है छोटी ई से है ना छोटी ई से इमली होती है ना तो हम छोटी ई यहाँ फाइंड आउट करेंगे और उस पर हम गोला लगा देंगे ओके तो छोटी ई कौन सी है इन तीनों में से ये तो बड़ी से एक है ये आम है आ और ये है छोटी ई से इमली ओके ये आप पहचानेंगे कौन सा चित्र है ये ठीक है तो ये कौन सा चित्र है ये तो अनार है ना तो अनार इसमें से ऐसे अनार फाइंड करेंगे ठीक है आसे अनार और उस पर हम सर्कल लगाएंगे तो आसे आम आसे अनार ओसे ओखली तो इस पर हम अनार पे सर्कल लगा देंगे ओके बच्चों ऐसी व्हाट इज दिस दिस इज ऊंट क्या है बेटा ये ऊँट तो से ऊँट होता है ठीक है तो ऊँ से ऊँट पे हम सर्कल लगा देंगे ओके ये है यस अंगूर तो अंगूर किससे स्टार्ट होता है अंग से अंगूर होता है ना तो हम अंग से अंगूर पे सर्कल लगा देंगे ओके बच्चों एंड नेक्स्ट देखेंगे दिए गए अक्षर के पहले या बाद में आने वाले अक्षर लिखिए ठीक है ये अक्षर दे रखे हैं इनसे पहले जो अक्षर आते हैं वो राइट करने और इनके बाद के जो अक्षर आते हैं वो राइट करने हैं ओके तो यह बड़ी से इमली बड़ी से ईख बड़ी से ईख से पहले कौन सा अक्षर आता है छोटी से इमली ओके ऐसे बड़े उसे ऊन के बाद कौन सा आता है बड़े उसे ऊन के बाद आता है ऋषि रीशे ऋषि ओके रिसी ऐसे अनार आसे आम। आउसे औरत अवसे औरत के बाद कौन सा आता है अंग से अंगूर अंग, आने खाली से पहले कौन सा आता है अंग से अंगूर आता है ना फिर तो आने आने खड़े आता है बच्चों ओसे ओखली से पहले ऐसे ए नक होता है फिर ऐसे एड़ी आता है तो ऐसे से ऐसे एड़ी ओके okay, बच्चों तो आप ये करेंगे अपनी कृति की बुक में ओके पेज नंबर फोर को फिल आउट करेंगे ओके स्टूडेंट्स बाय बाय टेक केयर हैव नाइस डे